हे बच्चा पार्टी, तो क्या हाल चाल। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका फिजिक्स टीचर रोहित गर्ग आपका स्वागत करता हूँ। और जैसे कि आपको पता है बच्चों, हमारी एक बड़ी ही अनोखी सी सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हम बहुत सारे फिनोमिनाज को एनिमेट करके आपके लिए लेकर के आए। और रिसेंटली मैंने आपको एक प्रॉब्लम दी थी, जिसके अंदर एक चींटी नीचे की तरफ गिर रही थी। तो चींटी उदास हो गई थी और गिरते गिरते धरती मैया ने उससे पूछा कि बेटा तुम उदास क्यों हो, तो जिसके ऊपर चींटी ने बोला था कि आई एम फॉलिंग। और उसी के ऊपर चलते हुए धरती मैया ने चींटी से बोला था कि नहीं बेटा, वी आर फॉलिंग। और मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि भाई क्यों ये बोला कि वी आर फॉलिंग। और बच्चों, हमें ये जान करके बहुत ही खुशी हुई कि आप दिल और जान लगा करके आप इस कॉन्सेप्ट्स को देख रहे हो। और मैंने रिसेंटली देखा कि ऑलमोस्ट बच्चों, एक दो कमेंट्स को छोड़ करके ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया। ये जानकर के यार दिल बाग बाग हो गया और मुझे एक चीज समझ आ गई कि हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक दो बच्चे कह भी रहे थे कि यार हमें समझ नहीं आ रहा है। बच्चों चिंता की बात नहीं है, पेशेंस इज द की टू सक्सेस। अभी नहीं आएगा, धीरे धीरे आप देखना मजाक मजाक में बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। तो भाई चलिए बात करते हैं कि क्यों ऐसा बोला धरती मैया ने कि वी आर फॉलिंग। तो बच्चों इसका आंसर है न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अक्सर इस एक्शन रिएक्शन वाले लॉ को बहुत ही गलत समझा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए आप दो दोस्त खड़े हो और एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मुक्का मारा, तो दूसरे ने भी आपको मुक्का मारा, क्या ये एक्शन रिएक्शन है? और मैंने सुना है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि जी हाँ ये एक्शन रिएक्शन है। नहीं बच्चों, ये एक्शन रिएक्शन नहीं है, ये तो भावना है जो एक दूसरे के ऊपर व्यक्त होगी। आपने किसी को मुक्का मारा, दूसरे ने आपको मुक्का मारा, दिस इज नॉट एक्शन रिएक्शन एट ऑल। चलिए एक्शन रिएक्शन को फील करते हैं। मान लीजिए आप कुछ घर पे थे, ठीक है, आप कुछ शरारत कर रहे थे और अक्सर आपको पता है कि मम्मी गुस्से हो जाती है हमारी शरारत को देख करके। तो भाई मम्मी ने हल्का सा हमारे गाल पे चिपका दिया, ओह नो, ठीक है चिपका दिया मम्मी ने। अब तो भाई जितना दर्द हमारे यहाँ पे गाल पे हो, जितनी फोर्स हमारे यहाँ पे गाल पे लगी, उतनी फोर्स आपकी मम्मी के हाथ पे भी लगी होगी। और आप देखना अक्सर आपके मम्मी ऐसे हाथ को खुजलाते हुए मिलेंगे, ठीक है। और हाँ, मैं पेरेंट्स को पहले कहता हूँ, मैं आपको कोई आइडिया नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, और मैं बिल्कुल बच्चों को मारने के सख्त खिलाफ हूँ, ठीक है। तो भाई जितनी फोर्स आपके यहाँ पे गाल पे लगी, उतनी फोर्स मम्मी के हाथ पे लगी। फिर ऐसा क्यों कि आप रो देते हो, मम्मी खुश होती है? रीजन बीइंग, एक का ईगो हर्ट हुआ और दूसरे का ईगो सेटिस्फाई हो गया। और बच्चों हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन भी है वो भी सजा देता है सिर्फ और सिर्फ इंटेंशंस के ऊपर, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ यहां पे प्रूव कर रहा है कि आपके गाल पे और हाथ पे दोनों पे सेम फोर्स लगी। तो वो एक्शंस पे कभी भी सजा नहीं मिलती है इंटेंशंस पे, क्योंकि एक व्यक्ति की इंटेंशन थी दूसरे व्यक्ति को हर्ट करने की, ठीक है। तो ऐसी क्या कंडीशंस हैं एक्शन रिएक्शन के पीछे? तो बच्चों टोटल चार कंडीशंस हैं, तो मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी कंडीशन है। पहली कंडीशन, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। सेकंड, बच्चों कभी भी एक्शन रिएक्शन वाली फोर्सेस एक बॉडी पे नहीं लगती है, वो हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज पे लगती है। और कभी कभार बुक्स के अंदर आप देखोगे कि भाई वहां पे अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या एक्शन रिएक्शन का नेट रिजल्टेंट जीरो होगा कि नहीं, या नेट फोर्स जीरो होगी कि नहीं? तो आंसर इज नो, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन वाली फोर्सेस हमेशा दोनों डिफरेंट फोर्सेस पे लगती हैं, दोनों डिफरेंट बॉडीज पे लगती हैं। थर्ड, दोनों फोर्सेस सेम कैटेगरी के अंदर बिलोंग करती हैं। कैटेगरी कौन कौन सी? बेसिकली जितनी भी फोर्सेज है बच्चों इस यूनिवर्स के अंदर, वो चार कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाइड है। पहला ग्रेविटेशन, सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, थर्ड वीक न्यूक्लियर एंड फोर्थ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन इनमें से किसी भी एक कैटेगरी को बिलोंग करोगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक्शन ग्रेविटेशन इन नेचर एंड रिएक्शन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। अगर एक्शन ग्रेविटेशन है तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशन इन नेचर होगा। एंड फोर्थ, यू कैन नॉट क्लासीफाई विच वन इज एक्शन और विच वन इज रिएक्शन, और आप ये नहीं कह सकते कि पहले कौन आया और बाद में कौन आया। जैसे कि हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर, जैसे चींटी गिर रही थी नीचे की तरफ, तो डेफिनेटली चींटी पे एकमात्र फोर्स जो नीचे लग रही है, दैट इज द वेट mg, अगर मैं एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान लेता हूँ। mg यानी कि वेट नीचे की तरफ लग रहा है,
तो उतनी ही फोर्स चींटी ने धरती मैया के सेंटर पे लगाई, किस तरफ? ऊपर की तरफ। चींटी पे फोर्स लग रही है एमजी नीचे की तरफ, धरती पे फोर्स लग रही है एमजी ऊपर की तरफ। तो भाई न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, जिस तरफ फोर्स लगेगी उस तरफ क्या होगी, एक्सेलेरेशन आएगी, जिसके कारण चींटी नीचे की तरफ और धरती मैया ऊपर की तरफ, दैट इज वाई बोथ आर फॉलिंग इन ग्रेविटेशनल लव विद ईच अदर। फिर ऐसा क्यों कि भाई हमें धरती चलती दिखाई क्यों नहीं देती? क्योंकि चींटी का मास बहुत कम है, ठीक है, और जैसे उसके वेट को आप उसके मास से डिवाइड करोगे तो उसकी एक्सेलेरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाती है, पर धरती का मास 10^24 केजी के ऑर्डर का होता है बच्चों, जिसके कारण धरती मैया की एक्सेलेरेशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। पर क्या इसका मतलब उसके पास एक्सेलेरेशन नहीं होती है? आंसर इज नो, उसके पास होती है पर बहुत ही कम होती है। तो चींटी चल रही है धरती की तरफ, धरती चल रही है चींटी की तरफ, mg चींटी पे नीचे, mg धरती के ऊपर ऊपर की तरफ। देखिए दोनों फोर्सेस लगी इक्वल एंड ऑपोजिट, साइमल्टेनियसली लग रही है, यानी कि आप ये क्लासिफाई नहीं कर सकते कौन सी पहले लगी, और दोनों ग्रेविटेशनल इन नेचर, दो डिफरेंट बॉडीज पे लगी, तो हेंस दे आर सेटिस्फाइंग ऑल द क्राइटेरियाज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, एंड दैट इज व्हाई इट इज एक्शन एंड रिएक्शन। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करूंगा कि आपने एक बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट हंसते खेलते सीख लिया है, और आप देखना जब आप सीनियर क्लासेस के अंदर जाओगे तो आपको इस छोटी सी वीडियो कितनी आपको हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए बच्चों, ऐसे ही और कंसेप्ट्स देखने के लिए हमारे इस चैनल को विजिट करते रहिएगा। प्लीज़ इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यार सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको पता ही नहीं कब काम में आ जाएंगी। सीजो बचा पार्टी, जय हिंद।